जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिक्कू स्पोर्ट्स में। आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक सूरतकाल मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये वैकेंसी है जिसमें SAS असिस्टेंट, ये अपनी काम की वैकेंसी है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म है। तो ये वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी वन है, नंबर ऑफ वन वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वड है। तो इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन है, आपको याद रखना है कि ये फॉर्म पहले ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद फॉर्म प्रिंट कर आपको बाय पोस्ट NIT के एड्रेस पर सेंड करना है। तो इसका एड्रेस मैं लास्ट में बताऊँगा कहाँ भेजना है, मतलब इसके पेज के बाद ही बताऊँगा। तो याद रखिएगा, जो फॉर्म प्रिंट करोगे तो उसके साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड कर जोड़कर भेजना है विद फीस रिसिप्ट पेमेंट। तो जो एनवलप आप लेते हो तो उसका एनवलप के टॉप पर लिखा हुआ रहना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ SAS असिस्टेंट, एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपको जब आप फॉर्म प्रिंट करोगे तो उसमें मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट नंबर मिलेगा। तो ये फॉर्म बाय पोस्ट सेंड करने की लास्ट डेट इसकी 28 सितंबर है और ऑनलाइन फिल करने की 24 सितंबर। तो याद रखिएगा, दो इसकी लास्ट डेट है, जो कि पहली 24 सितंबर है ऑनलाइन की और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की बाय पोस्ट वो 28 सितंबर है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी एंड OBC के लिए, और EWS 500 फॉर PWD SC ST वुमन जेंडर के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट सेंड करना है उसका लिस्ट दिया है, क्या क्या सेंड करना है आपको साथ में। यहाँ आपको प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूल साइंड इन ईच पेज, मतलब आपको जो फॉर्म प्रिंट होगा उसके हर पेज पे आपको सिग्नेचर करनी है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, यानी कि 10th से लेकर तो लास्ट एजुकेशन जो आपका हायर एजुकेशन है वहाँ तक की सारी मार्कशीट की फ़ोटोज कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जोड़कर भेजनी है, और साथ में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज बुक होता है उसका भी जेरोक्स फोटोकॉपी भेजना है, और साथ में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपीज भेजनी है सेल्फ अटेस्टेड करा के, और प्रिंट आउट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट आप फीस भरोगे 1000 रुपीज़ उसका भी प्रिंट करके वो भी साथ में भेजना है। तो एड्रेस यहाँ लिखा है नीचे में, टू द रजिस्ट्रार ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक सूरतकाल मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट 575025, पिन कोड है कर्नाटक स्टेट इंडिया। तो यहाँ पर जो है सारी इंडिया की गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सारे स्टेट के, ऐसा नहीं कि ये कर्नाटक स्टेट के लिए है, ऑल ओवर सभी इंडिया के सभी लोग एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन बताता हूँ, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है। उसमें लिखा था कि रिक्रूटमेंट रूल 2019 के हिसाब से वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन है नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर SAS असिस्टेंट। तो SAS असिस्टेंट का हमें पढ़ना है, सीरियल नंबर 7 में जाइए, वहाँ पर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये जो रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, फुल परमानेंट वैकेंसी है। तो SAS देखो, यहाँ बी में SAS का लिखा है, तो फर्स्ट क्लास डिग्री, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब 70-75 के अबव परसेंटेज की डिग्री चाहिए आपके पास BPED में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करोगे, मतलब सॉरी ग्रेजुएशन बोल रहा हूँ, BPED करोगे तो वो UGC अप्रूव्ड एंड NCTE अप्रूव्ड चाहिए, ठीक है। और इसकी एज लिमिट जो है 30 साल तक है,
30 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा यहाँ पर। और पे स्केल भी अच्छा है, पे बैंड सेकेंड है, और 9,300 से 34,800 तक का पे स्केल है इसका। और ग्रुप बी की जॉब है ये, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली गई है। इसको फिल कैसा है, ऑनलाइन फिल करना है, बाद में ऑफलाइन बाय पोस्ट सेंड करना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप अच्छे से इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी इसके बाद मैं आपको दूसरी वैकेंसी बताता हूँ, जो कि NIT वारंगल तेलंगाना की है, सेम ही इंस्टीट्यूट है पर वो कर्नाटक में है, ये तेलंगाना में। तो अब तेलंगाना वाला बताता हूँ। तो देखो यहाँ सामने इसका दोनों का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, पे स्केल भी सेम है, पर याद रखिएगा ये जो अभी हम बात कर रहे हो वारंगल तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट की, तो ये वाला जो है 3 वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो आपके सामने पोस्टर में सारा कुछ लिखा है, मेरी वेबसाइट भी लिखी है कहाँ पे वेबसाइट है, और सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो भी दिया है। तो और जो ये NIT वारंगल की लास्ट डेट जो है, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म है, 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसका भी देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो आप यहाँ देख सकते हो 7 नंबर पे SAS है, जो कि ग्रुप बी लेवल पे लेवल 6 सेम ही है, और नंबर ऑफ पोस्ट देखो सामने लिखा है 3। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, ये वाला ऑनलाइन है, आपको यहाँ पर कोई बाई पोस्ट फॉर्म सेंड नहीं करना है। तो इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है, पूरा सेम ही है लगभग, क्या सब सारा कुछ सेम है। यहाँ पे देखो दोनों में एक बात याद रखना, मैंने वहाँ नहीं बताया, यहाँ बताता हूँ कि बैचलर डिग्री के साथ में आपको स्ट्रांगली पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, जैसा कि नेशनल एटलीस्ट, नेशनल स्टेट मेडलीस्ट या पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट चाहना रहना ज़रूरी है। और आपके पास ड्रामा, म्यूज़िक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का अच्छे से एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, दो दोनों इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करना। और जितने भी आपके कोचेस हैं, जो हालांकि आपके यहाँ पर अभी कोरोना काल में बहुत लोगों ने जॉब छोड़ दिए, तो उनको जॉब नहीं मिल पा रही, तो इसमें आप अप्लाई करके अच्छा करियर बना सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर है ये वाली, पर यहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हटाते, क्योंकि ये जो पे स्केल है ये रेगुलर बेस का पे स्केल है। आप पढ़िएगा सामने लिखा है DA प्लस अलाउंस अदर अलाउंस और सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स हैं, रेगुलेशन से सब। तो वैकेंसी अच्छी है, जितने भी कोचेस हैं आपको उन तक ये पहुँचाइएगा। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलना मत, वहाँ जाकर ज्वाइन करिएगा, उसमें भी मैं जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ पे भी डालता हूँ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है जॉब का आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप बेझिझक मुझे कॉल करिएगा, या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत सारा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।